ग्रुप सी में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरे 82 नंबर थे, इनके उस टाइम 90 नंबर आए थे। ग्रुप डी का भी उनका हो गया था, ग्रुप सी में 90 नंबर आए थे, लेकिन इनको उस टाइम टाइपिंग नहीं आती थी। तो ये क्या सोच लिया कि मैं टाइपिंग सीख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे आती नहीं, और ये ट्राई भी नहीं किया, और आज ये ग्रुप डी में है, जबकि नंबर इनका हमसे ज्यादा था। तो इसलिए आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है भाई, थोड़ा सा मेहनत कर लो। बिल्कुल, शॉर्ट हैंड में क्या है कि कई लोग जो है शॉर्ट हैंड बिल्कुल आता नहीं था लोगों को, और उन्होंने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और अभी उनका लिस्ट में नाम आ गया। अब वो इस दुविधा में है कि यार इतने कम दिनों में कहाँ शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, एग्जाम को छोड़ना नहीं है, जितना आता है उतने में देना है, डरना नहीं है, जो भी करना है फुल कॉन्फिडेंस में करना है। यार देखो, हो ना हो ये अलग बात है, सिलेक्शन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करिए तो गलत बात है। टाइपिंग में लोग कहते हैं कि महीनों लगते हैं, महीनों कैसे लगते हैं जब हम लोग टाइपिंग क्लास करने जाते हैं, एक दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें महीनों लग जाते हैं। अब वही आप सोच लीजिए, एक दिन में आप 4-4, 5-5 घंटे प्रैक्टिस करें तो महीने थोड़े ना लगने हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता और मैं हूँ जूनियर असिस्टेंट। आज जो है ग्रुप सी का और स्टेनो का, अलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का और स्टेनो का रिजल्ट आ चुका है, लिस्ट जारी हो चुका है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और मेरे साथ में है इस समय रामायण उपाध्याय, इनका इंटरव्यू मैंने किया था जब प्रोसेस सर्वर, एक वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये ऑफिस में ही है और ये ग्रुप डी में है। इन्होंने रिसेंटली अभी ग्रुप सी का और स्टेनो का एग्जाम दिया था और दोनों में इनका नाम आ चुका है, और नंबर इनके काफी अच्छे थे। मुझे पहले ही लगा था इनका सिलेक्शन हो जाएगा, और इसके पहले भी ये एआरओ में इनके नंबर अच्छे खासे थे, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 211 नंबर थे 250 में, और फिर भी इनका नहीं हो पाया था, तो खैर वो तो बदकिस्मती कहेंगे। अब इनसे हम बात करेंगे कि अब आगे इनका जैसे टाइपिंग है और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस ये करना, तो उसके लिए जो है हमारे पास समय बचा नहीं है, मतलब इनके पास समय नहीं बचा है, आपके पास भी समय नहीं बचा है। मुश्किल से 10 से 15 दिन में जो है ये टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों हो जाना है, टाइम ज्यादा मिलता नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं जो मेरे टाइम में हुआ था, तो उसकी इनकी प्रैक्टिस चल रही है, तो उसके बारे में अब इनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी ताकि ये अपना ये शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का दोनों क्लियर कर पाए। कई लोगों के प्रश्न है कि सर इंग्लिश तो हो जा रही है, हिंदी का टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, और अब तो ज्यादा इन लोगों का प्रश्न बढ़ जाएगा, कई लोग होपलेस भी हो जाएंगे कि यार इतने कम समय में कहाँ कर पाएंगे, तो उनके लिए जरा गाइडेंस दीजिए आप कुछ। गाइडेंस क्या दें, एक्चुअली हम खुद एस्पिरेंट हैं, तो ज़्यादा बेहतर जो है गाइड आपको टाइपिंग के लिए सर ही कर पाएंगे, लेकिन हम जितना कहेंगे कि हम फिलहाल 10 से 15 दिन ही बचे हुए हैं, चाहे शॉर्ट हैंड हो चाहे टाइपिंग हो, तो जो शॉर्ट हैंड के लिए हैं हम उनके लिए कहेंगे कि वो दोनों पे फोकस करें अपना, किसी एक को कमज़ोर ना होने दें, चाहे टाइपिंग हो चाहे शॉर्ट हैंड। मेरा भी वही है कि टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश जो है अगर मैं अच्छे से कर लूँगा तो वो मुझे जूनियर असिस्टेंट में भी बेनिफिट होगा, और सेम वही अगर मैं शॉर्ट हैंड में करता हूँ तो उसमें भी सेम वही है, लेकिन शॉर्ट हैंड के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगाना है वो शॉर्ट हैंड के लिए लगाना है। तो शॉर्ट हैंड में मुझे ये करना है कि जितना अभी तक हमने किया हुआ है कुछ नया नहीं करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिविजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यही हो सकता है 15 दिनों में, और इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी अलग से कुछ नहीं है कि हाँ हम कुछ अलग से कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये मेरा कहना कि 15 दिन ही बचे ये सही है, कहाँ तक सही है? 15 दिन मुझे लगता है कि हाँ मैक्सिमम, क्योंकि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैं कंपेयर कर रहा था हर चीज जो है अपने अकॉर्डिंग, जो 2019 में मैंने एग्जाम दिया था कि भाई फॉर्म आया, उसके बाद जस्ट 1 महीने के अंदर एग्जाम हुए, और जस्ट 1 महीने के अंदर देखिए रिजल्ट भी आ गया। 18 दिसंबर को एग्जाम हुआ था और आज 19 जनवरी है, जस्ट 1 महीने में रिजल्ट आ गया। हमारे टाइम में भी ये हुआ था कि एग्जाम के जस्ट 1 महीने बाद रिजल्ट आया था और उसके जस्ट 10 दिन बाद टाइपिंग था, तो उसी अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ 10 से 15 दिन ही आपके पास बचे हैं, उससे ज्यादा समय बचा नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा 24 घंटे में अगर आप जितना समय 16 घंटे या 12 घंटे 16 घंटे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं किया था इतना। नहीं, मैं अपना बता दूं, मुझे उस टाइम मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, इंग्लिश की टाइपिंग मुझसे हो जा रही थी, हिंदी की टाइपिंग मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने रेमिंगटन गेल पे पहले किया था काफी पहले, ये जो इंस्क्रिप्ट था मेरे लिए नया था और 10 दिन के अंदर मैंने ये सीखा था। जब मैं एग्जाम देने भी गया था ना, तो उस दिन जैसे मेरा आज स्पीड आया 15 और कल मेरा एग्जाम है, ठीक है, तो 15 का स्पीड लेके मैं चला गया था एग्जाम देना, और वहां मैंने कर लिया था 21-22 तक कर लिया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। वैसे मंगल की टाइपिंग के लिए हम इतना कहेंगे कि मंगल की टाइपिंग कोई भी जो सीखना चाहता है 2 दिन के अंदर सीख सकता है, अगर शिद्दत से सीखे तो 2 दिन। सीखने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा कि इस पे क्या है, सारी होम रो ऊपर नीचे जितनी रो वही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सीख सकते हैं 2 दिन के अंदर, बाकी स्पीड जो है वो विद इन अ वीक अच्छी खासी हो सकती है जितनी आपकी
एग्जाम में मांगा है, 25 की स्पीड है। हाँ, टाइपिंग में लोग कहते हैं कि महीनों लगते हैं, महीनों कैसे लगते हैं जब हम लोग टाइपिंग क्लास करने जाते हैं, एक घंटा एक दिन में एक ही घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें महीनों लग जाते हैं। अब वही आप सोच लिए एक दिन में आप 4-4, 5-5 घंटे प्रैक्टिस करो तो महीने थोड़े ना लगने हैं आपको, तो हफ्तों में। और वो तो फिर आप जल्दी जल्दी सीखोगे ना। अब जैसे जब आप एक दिन में एक घंटे प्रैक्टिस किए, फिर अगले दिन यानी 24 घंटे बाद आप फिर वही प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब आप पर डे 3-4 घंटा 5 घंटा टाइपिंग कर रहे हो तो आपका वो जल्दी आप सीखोगे उस चीज को, उसमें उतना वक्त नहीं लगेगा। और यहाँ पे अर्जेंसी भी है कि हमें जल्दी सीखना है। हाँ, और जिन्होंने इंग्लिश सीखी हुई है उनके लिए हिंदी सीखना बहुत आसान है, और मंगल सबसे आसान टाइपिंग है। जिन्होंने आज तक हिंदी की टाइपिंग नहीं की है उनके लिए भी हम एक बात कहेंगे कि वो एक हफ्ते के अंदर पूरी टाइपिंग अच्छे से सीख सकते हैं, घबराने की बात नहीं, अच्छे से देना है इसको। हाँ, ये चीज तो दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि यार 10 दिन में क्या होगा। शुरुआत में जब तक हमारा हाथ उस पर सेट नहीं हुआ रहता है तब तक बोरिंग लगता है। शुरुआत कैसे कर सकते हैं मैं बता दूं, आप लोग जो है गूगल से जो मंगल इंस्क्रिप्ट का लेआउट है, कीबोर्ड का लेआउट है, उसे डाउनलोड करके उसका होम रो पे पहले प्रैक्टिस कीजिए। पहले किसी ऐप पे मत जाइए, आप वो एमएस ऑफिस खोलिए चाहे वर्ड पैड खोलिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, होम रो का। होम रो पे जब प्रैक्टिस हो जाए फिर अपर रो का, फिर लोअर रो का करने के बाद से, ठीक है, उसके बाद से जब आपको ये लग जाए कि मुझे सारे रो याद हो गए हैं, कौन से की पे कौन सा अक्षर है आपको पता चल जाए, फिर आप धीरे धीरे शब्द बनाना शुरू कीजिए। ये सारा प्रैक्टिस से ही होगा। और जैसा कि सर कह रहे हैं उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने अंदर से डर निकालना कि मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो डर था मेरा पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें मुझे लोगों ने बताया था कि आप हिंदी टाइपिंग नहीं सीख सकते इतनी जल्दी, ये डर आप अंदर अपने अंदर से निकाल दीजिए। सबसे आसान है मंगल की टाइपिंग करना, उसको आप एक हफ्ते के अंदर आराम से सीख सकते हैं, लेकिन आपको अर्जेंसी दिखानी होगी, डेली कम से कम 4-5 घंटे टाइपिंग आपको देनी पड़ेगी। एक दिन के अंदर आप सोचिए कि होम रो अपर लोअर रो सीख लें, उसके बाद वर्ड बनाना अगले दिन, फिर धीरे धीरे सेंटेंस तीसरे चौथे दिन, फिर इस तरह से आप स्पीड आपकी धीरे धीरे 20-25 हो जाएगी। अब अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो फिर अब आगे आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत और कर लो एक उम्मीद रख करके। इसमें अगर क्लियर हो जाते हो तो आपका अप्रैल तक इसका रिजल्ट आना है, अप्रैल तक आपके पास जॉब रहेगी, कितनी अच्छी बात है। नहीं तो फिर वही सारी चीजें आप शुरू से फिर लगे रह जाओगे, फिर किसी वैकेंसी का इंतजार करोगे, फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे, इन्हीं सब चक्करों में फंसे रहोगे। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपका नाम आ गया लिस्ट में तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। आपको जितना अगर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब ये कह रहे थे जैसे 8 घंटा 10 घंटा तो कीजिए भाई, करना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा सबके लिए, मैं खुद हूं उस लड़ाई में या जो है मेरे साथी क्वालिफाई हो गए हैं उनके लिए, कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार के। तो मैं इतना कहूंगा कि जब सिंधु में आपने अपनी नाव छोड़ दी है तो फिर डरना नहीं है कि धार लगेंगे मझधार लगेंगे, बस हमें करना है। अब तो बस पार लगे, 10 दिन लगे, लेकिन हमें हिंदी टाइपिंग अंग्रेजी टाइपिंग दोनों को अच्छे से खत्म करना है। 25 और 30 की जो स्पीड है उससे हमें 5+ करके जाना है और एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर जाना है। बाकी जो लोग सोच रहे हैं सर बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं, हाईलाइट होता है कि नहीं, कैसे पैसे जाते हैं, तो ये सारी चीजें मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उस पर अपना जो भी डाउट है उसको दूर कर सकते हैं, इस पर पहले मैं वीडियो दे चुका हूँ। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी जैसा कि मेरे साथ पिछली बार हुआ था ग्रुप सी में, होप नहीं छोड़ना है, पहली चीज होप बहुत बड़ी चीज है। अब मैं एक बात थोड़ा सा बता दूं, ग्रुप सी में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है मेरे 82 नंबर थे, इनके उस टाइम 90 नंबर आए थे, ग्रुप डी का भी उनका हो गया था, ग्रुप सी में 90 नंबर आए थे, लेकिन इनको उस टाइम टाइपिंग नहीं आती थी, तो ये क्या सोच लिया कि मैं टाइपिंग सीख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे आती नहीं और ये ट्राई भी नहीं किया, और आज ये ग्रुप डी में है जबकि नंबर इनका हमसे ज्यादा था। तो इसलिए आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है भाई, थोड़ा सा मेहनत कर लो। बिल्कुल। और बाकी जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये कोई आखिरी एग्जाम नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे ढेर सारे एग्जाम आएंगे, यूपी स्टेट के एग्जाम, SSC के एग्जाम, हाई कोर्ट के भी ढेर सारे एग्जाम होने वाले हैं, बाकी अदर स्टेट में होने वाले, तो ये दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम यू आर गिविंग, इसके बाद ढेर सारे एग्जाम है आप देंगे और क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उससे पीछे मत हटिए। एक जो कंटिन्यूटी है ना स्टडी की वो बनी रहनी चाहिए, एक एग्जाम खराब होता है नहीं होता है तो फिर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ देते हैं फिर सोचते हैं जब कोई वैकेंसी आएगा फिर तैयारी करेंगे, तो यार जब बीच में गैपिंग हो जाती है ना तो फिर दोबारा से वो सारी चीजें फिर शुरू से करनी पड़ जाती हैं,
जो भी आप पढ़े रहते हो ये 3-4 महीने लगातार, वो सब व्यर्थ समझ लीजिए चला जाता है, वो फिर से सब कुछ दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है, काफी उसमें टाइम चलाता है। इसलिए जो कंटिन्यूटी है आपकी वो बनी रहनी चाहिए। किसी चीज पे टिके रहना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वही हमें रिजल्ट देगा। हाँ। फिर अगर हम पीछे हटते हैं तो हमें फिर उस चीज पे आने के लिए फिर हमें उतनी मेहनत फिर से करनी होगी। सही बात। तो इस वजह से जो हमारा स्टेटस है उससे हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी। हम पीछे अगर हट जाएंगे या रुक जाएंगे तो हम और पीछे चले जाएंगे। तो इस वजह से हमें चलना है, बस आगे चलना है, लगातार चलना है। जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो में पहले भी कि रिजल्ट जो है इसी मंथ आ जाना है, इस मंथ के बाहर नहीं जाएगा, इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट आ जाना। तो वही हुआ अभी तक, जैसा जैसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ कंपेयर कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग जो मैंने दिया था उस टाइम एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग टाइपिंग में भी आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, तो आप लोग लग जाइए। शॉर्ट हैंड में क्या है कि कई लोग जो है शॉर्ट हैंड बिल्कुल आता नहीं था लोगों को और उन्होंने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और अभी उनका लिस्ट में नाम आ गया है। अब वो इस दुविधा में है कि यार इतने कम दिनों में कहाँ शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा, एग्जाम को छोड़ना नहीं है, जितना आता है उतने में देना है, डरना नहीं है, जो भी करना है फुल कॉन्फिडेंस में करना है। यार देखो, हो ना हो ये अलग बात है, सिलेक्शन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करिए तो गलत बात है। ये बिल्कुल बात है। हाँ, तो बाकी जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपने आगे की तैयारी को आप लोग बिल्कुल उम्मीद के साथ, बिल्कुल मेहनत के साथ आप लोग कीजिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपके किसी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, और इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, तो वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। इस समय रात के 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा, मुझे लगा जरूरी है इस समय वीडियो बनाना, मुझे भी जबरदस्ती क्योंकि हाँ सवेरे हमें टाइम मिलता नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।